दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट्स की। तो यहाँ पर आपको पता है राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब का मैच होने वाला है, तो इससे रिलेटेड क्या कुछ अपडेट आ रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। बट उससे पहले हमारे जो प्रीवियस मैचेस है उसके विनर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर SRH वाला जो मैच हुआ था उसमें हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डेविड वॉर्नर इस मैच में कितने रन्स बनाएंगे और जितने वो रन्स बनाएंगे उतना हमें प्राइज़ देना था। हालांकि यहाँ पर किसी का भी आंसर 85 नहीं है, फिर भी मैंने जो सबसे क्लोज आंसर हो सकता था उसको यहाँ पर चूज़ किया है और उसने प्रॉपर हैश वगैरह भी यूज कराया, तो वो हमारे आज के विनर हो जाते हैं। इन्होंने लिखा है 80-85 वार्नर रन बनाएंगे। वार्नर के जो रन थे वो 85 थे, 85 पे ये ऑल आउट हो गए थे। बट और किसी का जो प्रेडिक्शन था वो इसके आसपास भी नहीं था, तो फिर ये सत्यम गुप्ता जी ने जो यहाँ पर आंसर दिया है वही मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ और इनको 85 रुपीज़ का प्राइज मिल जाएगा। पेटीएम कैश इनको 85 रुपीज़ का मिल जाएगा। ये अपना पेटीएम नंबर बस अपने कॉमेंट के नीचे छोड़ दे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हमारे आज के विनर हैं। इसके अलावा हमारे और भी विनर हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था, रोहित शर्मा कितने रन बनाएंगे मुंबई इंडियंस वाले मैच में, तो उसमें भी यहां पर हमें आंसर मिल चुका है। तुषार कुमार हमारे विनर है, इन्होंने प्रॉपर हैशटैग भी यूज करा है और साथ ही साथ यहां पर इन्होंने सही रन भी बताए। 14 रन यहां पर लगाए थे रोहित शर्मा ने, तो इसका मतलब ये नहीं इनको 14 रुपीज मिलेंगे। मिनिमम प्राइस मैंने आपको बोला था 50 रुपए, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके ऊपर रोहित शर्मा जितने रन मारेंगे उतना प्राइस बढ़ जाएगा। तो यहां पर रोहित शर्मा ने 14 रन लगाए हैं, तो इनको मिनिमम प्राइस 50 रुपीज का दे दिया जाएगा। इनसे यही बोलूंगा कि अपने कॉमेंट के नीचे अपना नंबर छोड़ दे तो इनको भी पेटीएम कैश मिल जाएगा। तो ये हो गए हमारे दो मैचेस के विनर। उसके पहले जो हमने विनर डिसाइड करे थे उनके मैं कॉन्टैक्ट ले रहा हूं और आज उनको जहां तक पेमेंट कर दूंगा, और बाकी ये जो विनर्स हैं इनके पेमेंट जहां तक कल कर दूंगा, बिकॉज आपको पता है मैचेस बहुत पड़ रहे हैं जिसके चक्कर में यहां पर थोड़ा सा हम लेट हो जाते हैं। सो गाइस, यहां पर कुछ अपडेट्स वगैरह हैं दोनों टीमों की तरफ से, तो वो क्या अपडेट्स हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है दोनों टीमों से मैक्सिमम चार चार फॉरेन प्लेयर्स खेल सकते, तो उन पर लेकर थोड़ा सा डाउट है। क्रिस गेल की लास्ट सीजन की परफॉर्मेंस देखे तो इनको डायरेक्टली प्लेइंग 11 में आना चाहिए। निकलस पूरन ने भी T10 क्रिकेट में भी बहुत शानदार परफॉर्म किया, तो इनको भी आना चाहिए। सैम कोरन टाई में से कोई एक खेल सकता है, मुझी 100% खेलेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ सैम कोरन और टाई में से कोई एक खेलेगा, वैसे अगर टाई अवेलेबल होती तो टाई डायरेक्टली प्लेइंग 11 में आ जाते, बट अभी तक इनकी अवेलेबिलिटी पर सवाल उठे हुए हैं बिकॉज प्रैक्टिस सेशन में कहीं भी नजर नहीं आ रहे। स्क्वाड के साथ जुड़े हुए नहीं जुड़े इसकी भी कोई न्यूज़ नहीं आ रही, तो जैसी इनकी कोई न्यूज मिलेगी मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल के लिए एंड्रू टाई यहां पर डाउटफुल है, मैं आपको बता दूं इस मैच के लिए। बाकी क्रिस गेल लगभग कंफर्म खेलने वाले हैं, निकलस पूरन लगभग कंफर्म खेलेंगे, कुर्रन और मुजीब ये चार यहां पर लगभग कंफर्म खेलने वाले। अगर टाई अवेलेबल हो गए तो कुर्रन को रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर टीम अगर निकलस पूरन को इस मैच में नहीं खिलाना चाहती तो इन दोनों प्लेयर्स में से किसी एक को बैठा के यहां पर टाई को लाएगी। टाई लगभग कंफर्म खेलेंगे अगर अवेलेबल है तो, बट प्रैक्टिस सेशंस में जो फोटोज वगैरह रिलीज होते हैं ऑफिशियली उसमें कहीं भी टाई नजर नहीं आ रहे। बाकी सारे प्लेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं बट टाई का यहां पर नामो निशान नहीं है। बात करते हैं यहां पर राजस्थान रॉयल्स की, तो जॉस बटलर कंफर्म खेलेंगे, स्मिथ कंफर्म खेलेंगे, बेन स्टोक्स कंफर्म। अब ये तीन प्लेयर यहां पर कंफर्म खेलने वाले। अब इसके बाद बचती है चौथी प्लेस, वो है जोफ्रा आर्चर और इश शोधी के बीच में। तो टीम किसी को भी खिला सकती है, ऐसा नहीं कि जोफ्रा आर्चर लगभग कंफर्म है। इश शोधी भी यहां पर प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इश शोधी को भी इस मैच में मौका मिल सकता है। ये तीन प्लेयर कंफर्म है ऊपर के, बाकी जोफ्रा आर्चर इश शोधी में से ये लास्ट मोमेंट पर पता चलेगा कौन यहां पर खेलने वाला है। तो ये न्यूज हो गई दोनों टीमों की तरफ से। टेलीग्राम पर कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको आगे दे दूंगा। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं प्लस स्पॉट और क्रिकेट प्लस प्लस की। तो सबसे पहले क्रिकेट प्लस प्लस की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं वहां पर आपके लिए क्या टीम बना सकते हैं। उसके बाद आपको प्लस स्पॉट की भी यहां पर टीम देने वाला हूं, उस वीडियो तक को लास्ट तक देखते रहिए। सो गाइज, यहाँ पर हमने क्रिकेट प्लस प्लस की एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगी। सो यहाँ पर एक मिनट हम नेट कनेक्शन ऑन कर लें। सो गाइज, ये हमारी यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन हो गई है, और अगर आपने इसको अपडेट नहीं किया तो अपडेट भी कर लीजिए, उस पर खेलना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर विड्रॉल करेंगे, जो हमारी लास्ट विनिंग वगैरह उसकी हम विड्रॉल मारेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पर टीम प्रोवाइड करूँगा आज के मैच की। तो विड्रॉल इनका बहुत ईजी है, एक सेकंड में यहाँ पर विड्रॉल आ जाता है, तो आपको दिखा देता हूँ लाइव विड्रॉल करके, और कैसे यहाँ पर एक सेकंड में विड्रॉल आता है वो भी दिखा देता हूँ। सो गाइज, यहाँ पर चलते हैं वॉलेट बैलेंस पे। तो यहाँ पर अब हम इसको विड्रॉ करते हैं, यहाँ पर 500 रुपीज़ विनिंग अभी है यहाँ पे। तो कैसे इसको विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ पे जाइए, यहाँ पर आपको पेटीएम विड्रॉ करना है कि बैंक विड्रॉल कर ले, उस पर क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ पर आपको पेटीएम विड्रॉ करके दिखाता हूँ, और यहाँ पर मैंने इंस्टेंट विड्रॉ पे क्लिक कर दिया। वन सेकेंड, यहाँ पर अमाउंट डाल दूँ पहले मैं। 500 रुपीज़ हम पूरे यहाँ पर विड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर डन करते हैं इसको, इंस्टेंट विड्रॉल। सो इस पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। सो आप देख सकते हो ट्रांसफ़र कंप्लीट सक्सेसफुली लिखा आ गया है, और यहाँ पर हमें मैसेज भी आ जाना चाहिए पेटीएम से, क्योंकि ये दावा करते हैं एक सेकंड में विदड्रॉ होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर विदड्रॉ हो चुका है, और यहाँ पर लिखा आ चुका है हाई यू हैव रिसीव्ड अ कैशबैक ऑफ ₹500, आपको मेल भी आ चुका है। सो सबसे फास्ट विदड्रॉल है, तो आप ये खुद लाइव देख सकते हो। सो तो बात हो गई क्रिकेट प्लस प्लस की विदड्रॉल की, सबसे तेज़ विदड्रॉल है। और अब बात करते हैं यहाँ पर टीम की, आज के मैच में आप क्या टीम लगा सकते हो।
सो गाइस ये मेरी आज की यहाँ पर टीम रहने वाली है। मेरे हॉट पिक्स की अगर बात करें तो मैंने आज जिंकर रहाणे को टीम में लिया है, जॉस बटलर को लिया है, लोकेश राहुल, स्टीवन स्मिथ और क्रिस गेल, तो सारे हाई रेटेड प्लेयर्स को मैंने हॉट प्लेयर्स में ले लिया है। ये वो प्लेयर्स होते हैं जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करेंगे दोनों ही टीमों से, तो इन प्लेयर्स को मैंने इसमें पिक करा है। आप यहाँ पर संजू सैमसन वगैरह को भी ऐड कर सकते हो, बहुत बढ़िया प्लेयर है। और इसके अलावा नॉट प्लेयर्स की बात करें तो मैंने राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स को लिया है। रॉयल्स के बॉलर्स उतने कोई खास नहीं है, मैं आपको बताऊँ किंग्स इलेवन पंजाब के बॉलर्स बहुत दमदार है, बट रॉयल्स के बॉलर्स में उतना दम नहीं है। उनादकट का लास्ट सीजन अच्छा रहा नहीं, जिसके चलते मैं इनको यहाँ पर नॉट प्लेयर्स में पिक करूंगा। कुलकर्णी भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, और इनकी बात करें लास्ट सीजन की तो उसमें भी इनका कोई परफॉर्मेंस खास नहीं था, तो इनको भी मैंने नॉट प्लेयर्स में सेलेक्ट किया। और सैम कोरन जो बहुत नीचे बैट करने आते हैं और पार्ट टाइम दो तीन ओवर शायद बॉलिंग भी कर ले, तो इनको मैंने यहाँ पर नॉट प्लेयर्स में सेलेक्ट किया। तो इन प्लेयर्स को यहाँ पर सेलेक्ट किया जिनके चांसेस कम है पॉइंट्स अर्न करने के, और जिनके चांसेस बहुत ज्यादा, जैसे लोकेश राहुल और क्रिस गेल, आपको पता है लास्ट सीजन सबसे ज्यादा रन टीम के लिए लगाए, तो ये इनके चांसेस आज ज्यादा है 50-60 आज कर देंगे शायद। और स्टीवन स्मिथ, जॉस बटलर, इनके पास अनुभव बहुत है, और अजिंक्य रहाणे तो एक्सपीरियंस के मामले में बहुत बढ़िया है। संजू सैमसन वगैरह के पास एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है रहाणे के मुकाबले, बट बढ़िया हिटर है, तो आप चाहो तो उनको भी यहां पर ट्राई कर सकते हो। ये मेरे आज के हॉट और नॉट प्लस रहने वाले, आप भी इनके साथ जाइए ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर ग्रैंड लीग खेले तो मल्टीपल टीम्स लगाइएगा, बिकॉज अगर आप मल्टीपल टीम्स लगाएंगे तो आपकी कोई एक ना एक टीम तो अच्छा परफॉर्म कर देगी, तो यहां पर मैं इस कॉन्टेस्ट को यहां पर ज्वाइन भी कर लेता हूं। सो ये मेरा यहां पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन हो गया, आप भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका मैंने आपको दे दिया है। रेफरल कोड लगाना बिल्कुल मत भूलना, रेफरल कोड जब आप यहां पर लगा दोगे हमारा तो यहां पर आपको बोनस भी मिल जाएगा। सो गाइस अब हम बात करते हैं प्लेस स्पॉट की टीम की। सो गाइस प्लेस स्पॉट की एप्लीकेशन ओपन हो गई है, तो यहाँ पर अगर अब तक अभी तक खेलना शुरू नहीं करा है तो आप कर सकते हो। यहाँ पर खेलने का फायदा यह है कि आपको पैन कार्ड वैन कार्ड कुछ भी वेरीफाई नहीं करना है, आप यहाँ से पैसा कहीं से भी ऐड करो, चाहे पेटीएम से, चाहे बैंक से, आप विदड्रॉ इसमें बैंक में भी ले सकते हो, पेटीएम में भी ले सकते हो। इंस्टेंट विदड्रॉल भी अवेलेबल है, यानी कि 1 सेकंड विदड्रॉल भी अवेलेबल है। इसके अलावा आप 24 घंटे में ले सकते हो तो वो विदड्रॉल कर लो, पेटीएम विदड्रॉल इनका भी 1 सेकंड का है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको आज की मैच की टीम प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पर टीम बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि स्ट्राइक रेट्स और इकोनॉमी बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है प्लेस स्पॉट में, जो अदर साइड्स में नहीं करती है। तो यहां पर आज के मैच की जो बेस्ट टीम हो सकती थी वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। सो गाइस इस मैच के साथ मैं प्ले स्पॉट खेलूंगा, स्टार प्लेयर मेरे यहाँ पर लोकेश राहुल रहेंगे, और मेरे जो कैप्टन है वो यहाँ पर बेन स्टोक्स रहेंगे। और यहाँ पर आपको पता है बैटिंग के भी अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, बॉलिंग के भी अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, तो उसी हिसाब से आपको टीम बनानी है। यहाँ पर मेरे बैटिंग सेक्शन में अजिंक्य रहाणे, क्रिस गेल, मयंक अग्रवाल, संजू सैमसन, स्टीवन स्मिथ को शामिल किया है। ऑलराउंडर सेक्शन में बेन स्टोक्स और रविचंद्र अश्विन को लिया है। टाई की अवेलेबिलिटी अभी डाउट है, इसलिए मैं उनको यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज नहीं खेलते तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। और आपको पता है प्ले स्पॉट में आप जो अभी पॉइंट बनते हैं उसमें टीम चेंज नहीं कर सकते, हालांकि प्ले स्पॉट में बाद में भी पॉट बनते हैं, यानी कि टॉस होने के बाद फिर से पॉट्स बनते हैं, तो उनको आप ज्वाइन करिए, वो बिल्कुल सेफ रहते हैं, बट इसमें रिस्क रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जोफ्रा आर्चर को टीम में सेलेक्ट कर लिया, मुजीब को कर लिया और शिरेश गोपाल को कर लिया, तो ये मेरी यहाँ पर टीम रहने वाली इस मैच की। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस स्पॉट पर आपने रेफर कोड डाल के आएंगे तो आपको कुछ कैश बोनस मिलेगा। इनके बोनस की खास बात यह है कि इस बोनस को आप 100% किसी भी लीग में लगा सकते हो, चाहे हेड टू हेड की लीग हो चाहे ग्रैंड लीग हो, तो उसमें यहाँ पर बोनस का कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि 10% 20% यूज करो, पूरा आप अपने पैसे की तरह उसको यूज कर सकते, तो बोनस पूरा 100% यूजेबल है। सो गाइस अब वीडियो को यहां पर करते हैं खत्म, आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, उस वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके गाइस बाय।